Hello students, myself Devendra Yadav, training officer of the private IT sector. Student, हमारा जो topic चल रहा है वो है DC motor. DC motor के अंदर जब आज हम देखेंगे DC motor में जो back EMF होता है, तो back EMF होता क्या है? जब motor में DC motor में आर्मेचर जब घूमने लगता है और वह जो field pole है उसके plus का प्रतिच्छेदन करता है, यानी कि यह है आपका आर्मेचर, ये पोल एन और एस के पोल है, यह है आर्मेचर। ओके, आर्मेचर जब घूमने लगता है तो यहां जो दो पोल है एन और एस जो पोल है उसके द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स का छेदन करता है, और इसके कारण क्या होता है, क्योंकि आर्मेचर में भी कंडक्टर्स होते हैं, आर्मेचर कंडक्टर जैसे ही इस मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है उसके अनुसार क्या होता है, इस कंडक्टर में भी एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, एक वोल्टेज आगे जनरेट हो जाता है, उस वोल्टेज को बोला जाता है बैक ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है एक जनरेटर के केस में क्या होता है कि हमने जनरेटर को जब घुमाते हैं प्राइम मूवर से, तो उसमें जो आर्मेचर है उसके कारण वहां पर वोल्टेज जनरेट होता है और उसी वोल्टेज को हम आउटपुट में लेते हैं। लेकिन मोटर के केस में क्या होता है, मोटर को तो हम सप्लाई देते हैं, विद्युत सप्लाई मोटर को हम देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही हमने विद्युत सप्लाई इसको दिया इसका जो आर्मेचर है वो घूमने लगा। अब आर्मेचर जब घूम रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स भी है और कंडक्टर भी है, तो आर्मेचर का कंडक्टर है वो जब इस फ्लक्स को काटता है तो इसके कारण आर्मेचर की जो कंडक्टर है उसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसे ही बोला जाता है आपका बैक ईएमएफ। लेकिन ये जो बैक ईएमएफ है इसका जो पोलैरिटी है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो हमने दिया है, सप्लाई वोल्टेज मान के चलिए हमने ये दिया है, तो आपका बैक ईएमएफ ये इसके विपरीत होगा, इसका विपरीत होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी कि बैक ईएमएफ। इसको ईबी से दर्शाया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार का होता है, जनरेटर के केस में हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम वही फॉर्मूला होगा क्योंकि यहाँ पे जनरेटर का केस बन रहा है, कंडक्टर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, कंडक्टर जो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है जिसके कारण वोल्टेज इसमें डेवलप हो रहा है। हमने जनरेटर के केस भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं, EB इज इक्वल टू 5Z(N)/60×3/A, EB है आपका बैक ईएमएफ, फाइव है फ्लक्स, फ्लक्स प्रति पोल, नेक्स्ट है जेड, जेड है आर्मेचर चालक, आर्मेचर में जो चालक है आर्मेचर चालकों की संख्या,
समानांतर पथों की संख्या। ओके यही है बैक ईएमएफ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फ्लक्स फाई है आपका फ्लक्स प्रति पोल, जेड है आपका आर्मेचर चालकों की संख्या, एन है आर्मेचर की रोटर गति, पी है पोल्स की संख्या, कितने पोल्स इसी मोटर में हम कितने पोल्स यूज करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसे, पी से। इसी प्रकार ए है आर्मेचर के चालक है इसमें कितने समानांतर पथ है। आगे देखते हैं डीसी मोटर के प्रकार। डीसी मोटर जब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये बना दिया मैंने आर्मेचर, और जब हम उसमें फील्ड वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ये है फील्ड आपका, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोला जाता है डीसी सीरीज मोटर। ये है फील्ड सेकंड मीटर है सन डीसी मोटर। सन डीसी मोटर में आर्मेचर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट करेंगे और समानांतर होगा आर्मेचर के समानांतर, कहने का मतलब है ये आर्मेचर है आपका, इसके समानांतर में जब मैं फील्ड को लगाऊंगा, ये फील्ड हमने समानांतर लगा दिया, तब क्या कहलाता है डीसी सन मोटर। ये फील्ड डीसी मोटर के प्रकार में तीन प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सीरीज डीसी मोटर, शंट डीसी मोटर और कंपाउंड डीसी मोटर। कंपाउंड डीसी मोटर में शंट और सीरीज दोनों एक साथ यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे
और वाइंडिंग हमने यूज कर दिया, सीरीज में ये हो जाता है कंपाउंड मोटर। अब हम देखते हैं किसी सीरीज मोटर में धारा और वोल्टेज का संबंध किस प्रकार का रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी जो सप्लाई है यहाँ से करंट का डायरेक्शन इसमें आएगा, इस तरह ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्मेचर के जो करंट फ्लो होगा वही आपका फील्ड में भी फ्लो होगा। तो यहाँ पे आई ए आर्मेचर का करंट इस इक्वल टू आपका हो जाएगा आई एस ई यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें जो करंट फ्लो होगा और लोड ये सिग्नल जो है बराबर से चलता है। इसी प्रकार से यहां पर यह है आपका आर्मेचर, आर्मेचर द्वारा सीरीज फील्ड धारा और ये है लोड करंट। यहाँ पे डीसी मोटर सीरीज मोटर इसको आकर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू। इस टॉपिक से अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके थैंक यू।